नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्तु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक सीरीज चलाई है, जिसके अंदर मैं बेसिक से लेके और एडवांस तक एस्ट्रोलॉजी तक पढ़ाऊंगा आपको। और आप उस सीरीज को अगर अटेंड कर लेते हैं और पूरी सीरीज को पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पिछली बार मैंने पढ़ाया था कि ग्रहों की दशा के बारे में, कि कौन सी दशा अनुकूल होती है, कौन सी दशा प्रतिकूल होती है, किन ग्रहों की दशा अच्छी जाती है, किन ग्रहों की दशा अच्छी नहीं जाती, ये मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको और क्लियर फॉर्म में समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि किस ग्रह की दशा अनुकूल है और किस ग्रह की दशा प्रतिकूल रहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा और बड़ा छोटा सा नियम इसके लिए है कि आपको ग्रहों की दशा जानने के लिए, दशा कैसी जाएगी, आपको ये भी देखना जरूरी है कि ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, नंबर 1, और नंबर 2, ग्रह किस भाव में बैठे। ये दो चीजें आपको देखनी बहुत आवश्यक हैं, तभी आप बता सकते हैं कि इस ग्रह की दशा अच्छी जाएगी या इस ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाएगी। अब जैसे अनुकूल दशा, मान लिया कि अनुकूल दशा, मैंने आपको पीछे बताया था कि अनुकूल दशा कौन कौन सी होती है। मोटा मोटा आप लगा सकते हैं कि लग्नेश के मित्रों की दशा अनुकूल दशा होती है, लेकिन पीछे मैंने एग्जैक्टली आपको बताया हुआ है बढ़ते क्रम में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके आगे का ही वीडियो है ये वाला। तो अनुकूल दशा अगर है, मतलब किसी ग्रह की दशा अगर अनुकूल है आपके लिए और उसकी स्थिति भी अनुकूल है, यानी स्थिति अनुकूल मीन्स कि वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हुआ है, तीन चीज हो सकती है कि अनुकूल दशा तो अनुकूल है लेकिन उसकी स्थिति अनुकूल नहीं हो सकती। स्थिति अनुकूल हो, उसकी स्थिति दूसरे तीसरे भाव में हो, चलो उसको भी अनुकूल मान लेते हैं, दूसरे तीसरे भाव को भी। उसकी स्थिति छठे आठवें बारहवें भाव में हो तो ये स्थिति प्रतिकूल स्थिति हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि दशा तो हमको अच्छी मिली, इस केस में ए बी के केस में हम लोगों को स्थिति भी अच्छी मिल गई, दशा भी अच्छी मिल गई, तो हमारे नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ कहना ही नहीं है, 100% आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे। ये दशा आपको मिली अनुकूल दशा और स्थिति आपको दूसरे तीसरे भाव में मिली उस ग्रह की, तो भी ठीक है, 100% नहीं तो मतलब 90% रिजल्ट तो आपको मिले मिलेंगे, लेकिन ये प्रतिकूल स्थिति हो गई। अब यहाँ दशा तो अनुकूल थी आपकी लेकिन छठे आठवें बारहवें में चला गया, तो आपको छठे आठवें बारहवें के रिजल्ट मिलेंगे आपको, तो रिजल्ट जो थे वो आपके गड़बड़ हो गए। तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। उस केस में आपको छठे आठवें बारहवें के रिजल्ट भी मिलेंगे और थोड़ा शुभ फल भी मिलेंगे, मिश्रित फल मिलेंगे, क्योंकि दशा तो अच्छी ग्रह की थी बहुत। मान लिया आपकी शुक्र की दशा है और शुक्र योगकारी ग्रह है आपकी कुंडली में, पूर्ण योगकारी ग्रह है, उसकी दशा चल रही है, लेकिन बैठ गया जाके वो छठे भाव में या आठवें भाव में या बारहवें भाव में, तो वहां के फल भी तो वो देगा। भले ही दशा अनुकूल थी आपके, शुक्र लग्नेश का मित्र था, लेकिन दशा फल तो वहां के भी देगा। इसलिए ऐसी दशा में कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल भी आपको अवश्य मिलेंगे। फिर आती है प्रतिकूल ग्रह। अभी तो हमने अनुकूल दशा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रतिकूल दशा, कि दशा ऐसे ग्रह की है जो आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, यानी लग्न का मित्र नहीं है और छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा है या छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी है, उनकी दशा आ जाती है। तो ऐसे ग्रह की दशा आती है जो दशा आपके लिए प्रतिकूल है, जो दशा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाली। उस केस में अगर प्रतिकूल दशा भी मिल जाए और प्रतिकूल स्थिति भी हो जाए, मतलब दशा तो मिली गई प्रतिकूल ग्रह की और साथ में उसकी स्थिति भी छठे आठवें बारहवें भाव में हो गई, फिर तो बेड़ा गर्क होता है 100%। और अगर प्रतिकूल ग्रह है, स्थिति उसको अनुकूल मिल जाए, यानी वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में आ जाए, कोई प्रतिकूल ग्रह है, मान लिया तीसरे और छठे भाव के स्वामी की दशा है, तो हम कहते हैं कि दशा अच्छी नहीं है क्योंकि वो लग्न का मित्र भी नहीं होता, तो हम बोलेंगे ये दशा अच्छी नहीं जाएगी जातक के लिए। लेकिन वो अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है तो प्रभाव उसके थोड़े अच्छे हो जाएंगे, और वो गुड प्रभाव में है, अगर अच्छे प्रभाव में है तो उसके प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। अगर वो उसके अंदर बैठा हुआ है तो प्रभाव थोड़े अच्छे हो जाएंगे। तो आपका ये देखना है, इसमें थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, अगर एक्स वाई स्थिति है कि प्रतिकूल दशा है और प्रतिकूल ही स्थिति है तो दशा बहुत खराब जाएगी, प्रतिकूल दशा है और स्थिति अनुकूल है तो दशा मिश्रित जाएगी, उसके फल थोड़े अच्छे हो जाएंगे, थोड़े वैसे फल रहेंगे लेकिन दशा उसकी मिश्रित हो जाएगी। अब इसके अंदर समझाया, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए कि स्थिति और प्रभाव दोनों अच्छे हैं,
कोई ग्रह है, इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी है और उसके ऊपर प्रभाव भी बहुत अच्छा है और अनुकूल ग्रह की दशा है आपके लिए। ग्रह जो है वो अभी कुंडली के हिसाब से अनुकूल ग्रह है, उसकी दशा है और उसकी स्थिति भी केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में है और उसके ऊपर प्रभाव भी अच्छा है। प्रभाव मीन्स के उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या वो भाव शुभ पत्री में है या जैसे भी है उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसे केस में जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5 करोड़ रुपए फायदा होगा, 5 टाइम्स का फायदा होगा, 5 टाइम्स का फायदा होगा, ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर स्थिति अच्छी है और प्रभाव भी अच्छा हो गया। दूसरी स्थिति क्या है कि स्थिति तो अच्छी है, आपका ग्रह केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में तो बैठा है लेकिन उस पे प्रभाव थोड़े वैसे हैं कि कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव भी हैं, कुछ शुभ ग्रहों के प्रभाव भी हैं, कहीं से उसको गुरु भी देख रहा है तो कहीं से उसको शनि भी देख रहा है। तो उस केस में प्रभाव थोड़े डाउन हो जाएंगे और 1 करोड़ रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको 20-30 लाख रुपए ही मिल पाएंगे। मतलब आपको मैं मोटा मोटा उस कैटेगरी में समझा रहा हूं ताकि आप पैसे कैटेगरी समझ के थोड़ा समझने की कोशिश करें। आलो ज्योतिष को कभी इस तरह से नहीं समझाया जाता बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्थिति अगर अच्छी है और प्रभाव उस पर अच्छे नहीं है, प्रभाव मिश्रित है, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, तो प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो प्रॉफिट बहुत मार्जिनल प्रॉफिट होगा। और स्थिति अच्छी है लेकिन प्रभाव बुरे हैं फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। स्थिति तो अच्छी है, बैठा तो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है लेकिन दो या दो से अधिक ग्रहों से अशुभ ग्रहों से त्रस्त है, पाप कतरी में है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपका जो 1 करोड़ रुपया आया बस वो 1 करोड़ रुपया ही आप समझो, वो भी इसलिए कि आपकी इस ग्रह की स्थिति अच्छी थी इसलिए 1 करोड़ का 1 करोड़ आपको मिल गया, बाकी आपको फायदा वायदा कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। लेकिन अगर स्थिति खराब हो गई, ग्रह की स्थिति भी 6ठे 8ठे 12वें चली गई और प्रभाव भी उस पर हो गया, वो जाकर सूर्य से अस्त हो गया, नीच राशि में हो गया या अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो गया, फिर तो बंटा धार, फिर तो आपके 1 करोड़ तो गए गए, आपका और पैसे भी कहीं से लग जाएंगे, विपरीत रिजल्ट बोलते हैं उसको कि और भी पैसे आपके लग जाएंगे। तो 1 करोड़ तो जाएंगे जाएंगे प्लस वो जो जमा पूंजी है और आपकी वो भी आपकी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दशा का आपको याद रखना कि अनुकूल स्थिति हो तो कैसी स्थिति रहती है, अनुकूल स्थिति हो प्रभाव अच्छा हो तो बहुत अच्छा, अनुकूल स्थिति हो प्रभाव मिश्रित हो तो गुड है, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, और अनुकूल स्थिति हो और प्रभाव बुरा हो तो वो अच्छा नहीं है, उसमें आपके 1 करोड़ के 1 करोड़ रह गए खाली। और प्रतिकूल स्थिति हो जाए, स्थिति भी अनुकूल ना हो और प्रभाव भी बेकार हो जाए इसके ऊपर, फिर तो बेड़ा गर्क। तो ये चीजें थी आपकी दशा के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक समझा देता हूं कि किसी भी ग्रह के लिए 6ठे 8ठे भाव में जाना प्रतिकूल होता है। 6ठे 8ठे 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाए तो हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं होता, लेकिन सूर्य मंगल और शनि ग्रह को बोला गया है कि 6ठे स्थान में अगर ये हैं तो ये प्रसन्न होते हैं, क्योंकि 6ठा स्थान जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है, जो थोड़ी बुराइयां होती हैं उनका स्थान होता है, तो उसमें ऐसे क्रूर ग्रह जाके उन पे काबू कर लेते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। अगर किसी ऐसे आदमी को आप जो ड्रिंक करता हो उसको किसी बार में भेज दो तो वहां जाके उसको एनर्जी मिल जाएगी बहुत ज्यादा। तो वही है, 6ठा भाव एक तरीके से बार की तरह है कि बार है और वहां पे कोई टूट ग्रह जाता है तो वो उसको पूरा एंजॉय करेगा, वहां के फल वो ठीक सा दे देगा आपको आराम से। तो इसलिए ये होता है कि मंगल वहां बैठा हो तो मंगल आपको कंपटीशन में पास करा सकता है, शनि वहां बैठा हो तो शत्रुओं का नाश कर सकता है, सूर्य वहां बैठा हो तो शत्रुओं का नाश कर सकता है, रोग का नाश कर सकता है। तो ये आपको सिर्फ 6ठे भाव के लिए देखना है कि 6ठे भाव में स्पेसिफिकली जो क्रूर ग्रह हैं वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक चीज इसके ऊपर लगी हुई है कि सूर्य ग्रह मंगल ग्रह शनि ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं वो खुद तो प्रसन्न होते हैं लेकिन जिस भाव के स्वामी हैं उनका तो नुकसान करेंगे। आप ये देखिए कि सूर्य मंगल शनि किसी न किसी भाव के स्वामी तो होंगे। हमारा ज्योतिष में फार्मूला है कि जो भी भाव का स्वामी 6ठे 8ठे 12वें भाव में जाएगा उस भाव की हानि होगी। तो सूर्य अगर केंद्र का स्वामी है, सूर्य अगर 4थे भाव का स्वामी है तो सूर्य के 4थे भाव का स्वामी होगा, अगर वो 6ठे भाव में जाएगा तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी में आपके कुछ लीगल ऑब्जेक्शंस लग जाएं, मकान आपका मिलने में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन सूर्य के कारकत्व तो बढ़ जाएंगे, सूर्य के कारकत्व तो बढ़ जाएंगे, सूर्य के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि सूर्य को 6ठे भाव में जाके प्रसन्नता मिलेगी,
तो वो वहां जाके क्या करेगा? अगर शिकार को तो बढ़ जाएंगे तो वो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, आपका कोई ऋण है तो ऋण उतारने की क्षमता देगा, आपके शत्रु हैं तो शत्रुघ्न होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो एज ए भावेश उनके रिजल्ट तो कम होंगे होंगे क्रूर ग्रह के, लेकिन जो क्रूर ग्रह हैं वो छठे भाव में स्पेसिफिकली उनके स्वतंत्र कारकत्व तो बढ़ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझ गए तो दशा के बारे में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके आगे फिर मैं आपको दशा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, क्योंकि दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप दशा समझ गए तो प्रेडिक्शन आप आधी से ज्यादा कर लेंगे। और साथ में ये सूचना भी देना चाहता हूँ कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस रेमेडीज की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रहों की रेमेडीज, के जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो अपने आप को एनरोल करा सकता है दिए गए नंबर पर संपर्क करके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।